Hello everyone, welcome back to another video from your book of English language. We are starting the Brain Root series and the name of our book is Grammar Glitter Odyssey of Class 6th. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, Nouns Number. In the last chapter we had studied about nouns and the kinds of nouns. What did we learn? What nouns are and how many types of nouns are. Right? In this chapter we are learning singular and plural. Right, singular मतलब एक and plural मतलब एक से ज़्यादा. Okay, so let's see what we have in this chapter. A noun has two numbers. Noun के दो numbers होते हैं, singular and plural. Okay, singular nouns, let's read about it. A noun which indicates one person, place, thing is said to be a singular number. जो किसी भी एक चीज़ को denote करता है. Right, for example I say boy. So मैं सिर्फ एक boy की बात कर रही हूँ. So when I talk about one, मैं जब एक की बात करती हूँ, that is singular. Okay, let's see the example. Man, boy, cow, knife, table, chair. आप देख सकते हैं, ये सब एक है number में. They are only one. Next we have plural nouns. Plural मतलब एक से ज़्यादा, more than one, which indicates more than one person, place or thing. एक से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा person, एक से ज़्यादा जगह के नाम की अगर हम बात करें तब वो प्लूरल हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन का मैन, एम ई एन मैन, बॉय बॉयज, काउज, नाइव्स, टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा. आप देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. सो व्हेन यू पुट अ एस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप सिर्फ एक एस लगाओगे तो वो प्लूरल होता है. बाकी जो एक्सेप्शंस होते हैं कि हम कहाँ पे ई यूज़ करते हैं, कहाँ पे वी ई एस, कहाँ पे एफ ई एस यूज़ करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. Singular nouns can be changed into plural in various ways. तो मैंने आपको भी बताया बहुत सारे ways होते हैं जिससे आप singular को plural में change कर दो. एक way होता है जिसमें आप normal s add कर दो, दूसरा way आप es add कर दो, right? उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, ves कर दीजिए. तो अब next page के लिए के साथ साथ हम वो भी start करेंगे. Okay, so now we will see this table. अब हमारे पास ये table दिया गया है जिसके अंदर हमें क्या बताया कि हम एस कब ऐड करेंगे, ई एस कब ऐड करेंगे. तो ये बुक से हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल्ड समझ आ रही हैं. आई एम श्योर आपको अभी तक के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. सी हाउ नाइसली दे हैव गिवन दिस टेबल, नाउ लेट्स रीड इट. अगर हम किसी भी वर्ड के बाद सिर्फ एस ऐड करेंगे, किसी सिंगुलर चीज़ के बाद एस ऐड करेंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं, हाउस हाउसेज, हमने सिर्फ एक एस ऐड करा. ऑथर ऑथर्स, हमने एक एस ऐड किया. बुक बुक्स, हमने एक एस ऐड किया. ऐसे ही अगर हम ई एस ऐड करेंगे किन 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 के साथ, उन नाउन्स के साथ जो एंड हो रहे हैं एक्स, एस एच, एस या फिर सी एच के साथ. कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल बी ओ एक्स, बॉक्स, एक्स से ऐड हो रहा है. तो जब भी कोई चीज़ एक्स से, एस एच से, सी एच से या सिर्फ एस से एंड होती है, हम हमेशा ई एस लगा देते हैं उसके एंड में, उसको प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखेंगे. डिश का डिशेस, यू ऑल कैन सी हियर दैट दिस वर्ड इज एंडिंग विथ एच, राइट, एच के साथ एंड हो रही है. मैंने आपको क्या बताया, एक्स, एस एच, एस एंड सी एच. सो एच के साथ एंड हो रहा है और उसके साइड में एक एस भी है. सो एस एच के साथ हमेशा हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर देते हैं. तो डिश का डिशेस, गैस का गैसेस. ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया है कि हमने एक्स, एस एच, एस और सी एच वर्ड्स के लास्ट में ई एस ऐड करा है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए. गॉट इट. नाउ इन नाउन्स एंडिंग इन वाई, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग आई ई एस. ओके, तो आप देख सकते हैं हम कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके एंड में वाई आ रहा हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल पोनी, वाई आ रहा है, तो इसको अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो हम y हटा के आई ई एस ऐड कर देते हैं. ओके, सो पोनी का क्या हुआ, पोनीज, एंड स्पेलिंग ऑफ पोनीज पी ओ एन आई ई एस सी, हाउ आई हैव चेंज्ड. नेक्स्ट आर्मी का आर्मीज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आर्मीज, ए आर एम आई ई एस, हमने y को रिप्लेस कर दिया है बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे अगर हमारे पास कोई नाउन y से एंड हो रहा है पर उससे पहले एक वॉवल है. y से एंड हो रहा है पर एक वॉवल है, मैं आपको दिखाती हूँ लिख के, आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल r a y ray,
सो आप देख सकते हैं वाई से ही एंड हो रहा है एंड वाई से पहले क्या आ रहा है, यस एक वॉवल आ रहा है. यू ऑल नो व्हाट आर वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, राइट. सो रे. सो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आर ए वाई एस लिख देंगे. आप समझ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने आपको बताया था कि y जिससे होगा आपको y हटा के आई ई एस लगाना है. नहीं, वो सिर्फ तब होगा जब आपके y के साइड में कॉन्सोनेंट हो. आप देख सकते हैं फोनी के अंदर y के साइड में n वॉज अ कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर y है और y के साइड में एक वॉवल है तो आपके साथ क्या होना चाहिए, आपको y के बाद सीधा s लगा देना है, राइट. और एक एग्जाम्पल आपके पास जो है यहाँ पे, लेट्स सी इट. मंकी मंकीज, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा, बस एक एस ऐड कर दिया फॉर मेकिंग इट प्लूरल. ए नाउन्स एंडिंग विद ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई भी नाउन लिया जो ओ से एंड हो रहा है और उस ओ से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है. देखते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ. हीरो, ओ से एंड हो रहा है और लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, राइट. कॉन्सोनेंट पता है आपको, यस. जो वॉवल्स नहीं होते वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे लेटर्स. सो नाउ यू कैन सी हीरो का क्या होगा, एच ई आर ओ ई एस, हीरोज. तो हम क्या करते हैं, जब हमारा ओ लास्ट में होता है और उसके साइड में एक कॉन्सोनेंट होता है, व्हाट वी डू, यस वी एड ई एस. ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ओके. नेक्स्ट, इन वर्ड्स एंडिंग इन आई ई ओ ओ ई ओ एंड सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बाय एडिंग एस. देख सकते हैं जैसे टाई का टाइज, वो क्या बता रहे हैं, कोई भी वर्ड अगर आई ई से एंड होगा तो आप उसके साथ सिर्फ एक एस ऐड कर देंगे, राइट. नाउ लेट्स सी, जैसे कुकू, कुकूज, हमने नॉर्मली एक एस ऐड कर दिया यहाँ पे, कुछ मेजर चेंज नहीं करा. वीडियो, वीडियोज, हमने एक एस ऐड कर दिया. नेक्स्ट, स्टूडियो, स्टूडियोज, सिंपली हमने एक एस ऐड कर दिया. आई होप इट्स ईजी. नाउ इन नाउन्स एंडिंग विद एफ और एफ ई, वो नाउन्स जो किससे एंड होते हैं, एफ से या एफ ई से होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस एफ को या फिर एफ ई को वी ई एस में चेंज कर देते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. जैसे मैंने आपको दिया वर्ड शेल्फ, यू ऑल कैन सी ये किससे एंड हो रहा है, यस दिस इज एंडिंग विद एफ. इसको अगर मुझे चेंज करना हो तो ये क्या हो जाएगा, शेल्व्स. सो वी ई एस ऐड हो जाएगा. प्लूरल बनाने के लिए कोई भी वर्ड अगर F से लेटर F से हमारा एंड हो रहा है तो आप उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, यस इस F को हटा के V-E-S को ऐड कर देंगे. आई होप इट्स क्लियर टू everyone. नेक्स्ट एग्जाम्पल, dwarf, dwarfs, knife, knives, ओके. नाउ इफ सम nouns एंडिंग इन F बाय एडिंग S, अब कुछ ऐसे nouns होते हैं, राइट. मैंने आपको बताया है कि आपको ये रूल्स याद रखने हैं, राइट, बिकॉज कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा. और अगर आप बार बार रीड भी करेंगे तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एफ से जो एंड होते हैं उसमें वी ई एस आता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. क्या है वो एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे गोल्फ, जी ओ एल एफ, गोल्फ, ये एफ से एंड हो रहा है, पर अगर आप क्या सोचेंगे, अभी तक जितना हमने पढ़ा है आप इसको क्या लिखेंगे, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के आप ये लिखेंगे, राइट. बट नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है. आपको सही करके कैसे लिखना है, आई टेल यू, जी ओ एल एफ एस, बस ये इसकी प्लूरल फॉर्म है. ऐसे ही और कैसे वर्ड्स हम बना सकते हैं, जैसे रूफ, फॉर एग्जाम्पल रूफ, आपको पता होगा रूफ इज छत, तो रूफ का क्या होगा, रूफ्स नहीं होगा, वी ई एस नहीं आएगा, आप डायरेक्टली रूफ लिखेंगे और उसके बाद एस आ जाएगा. Understood? And third example, cliff, clips. So, आपको ये rule भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है. Great. Moving on, some nouns take both forms in plural. देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे nouns होते हैं जो F से end होते हैं, right? वो F से end होते हैं और वो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. आप सिर्फ S भी लगा सकते हैं और V-E-S भी add कर सकते हैं. Let's see how. For example, hoof is there. H-O-O-F, hoof. सो अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आप एच ओ ओ एफ एस भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड एच ओ ओ वी ई एस भी लिख सकते हैं. सो बोथ ऑफ दीज आंसर्स, बोथ ऑफ दीज प्लूरल फॉर्म्स आर करेक्ट.
और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? स्काफ, स्काफ को आप स्कार्फ्स भी लिख सकते हैं और स्कार्व्स भी लिख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप, एस सी ए आर एफ एस भी लिख सकते हैं और एस सी ए आर वी ई एस भी लिख सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। नाउ ड्वार्फ इज देयर, ड्वार्फ का देखते हैं और ड्वार्फ्स भी लिख सकते हैं, नॉर्मली आप एस ऐड कर दीजिए कम्प्लीटली ओके, या फिर एफ हटा के वी ई एस ऐड कर दीजिए, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट लेट्स सी, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमने रूल्स अभी तक पढ़े हैं यहाँ तक, वो कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म्स अपने खुद के होते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन प्लूरल फॉर्म्स। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, गूस, गीस, गूसेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ऑल्सो हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर, द वर्ड इज गूस, तो इसका क्या होगा? यस, गीस, गीसेस नहीं होता या गूसेस नहीं होता। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपका है टूथ, आपको ये तो पता ही होगा, टूथ मतलब एक, टूथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब बहुत सारे टीथ, राइट? सो टूथ का क्या होगा? टीथ। फुट का क्या होगा? फीट। अब आपने एक ट्रेंड्स देखा होगा कि जो भी ओ ओ वाले हैं उनको रिप्लेस करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स ई ई आ रहा है, बट स्टिल आपको ये याद रखने हैं कि ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, इनके खुद के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड सी हियर, लेट्स डू दिस टास्क। दिस इज टास्क ए, यू हैव टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। ओके, सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन इज डॉग, डॉग का क्या प्लूरल होगा? डॉग्स। Next is your homework. See, all the black ones are your homework and the ones I've written, I am making you do in the class. Okay? Rat, rats. Tree, trees. Doll, dolls. Flower, flowers. Goose, geese. Library, libraries. Lady, ladies. Baby, babies. Mouse, mice, M-I-C-E, mice. Tooth, teeth. City, cities, I-E-S आएगा लास्ट में. Next, diary, diaries. Potato, potatoes, E-S आएगा लास्ट में. Horse, horses. Sister, sisters. Star, stars. Copy, copies, I-E-S आएगा. Fly, flies. Sheep, का हमेशा sheep ही रहता है. Sheeps is wrong. It is always sheep. Got it? Next, foot, feet. Thief, thieves. Shelf, shelves. Okay? Calf, calves. Homework, this is your homework. You have to write the spelling yourself, but I'm telling you the plural. Knife, knives. Leaf, leaves. Story, stories. Pony, ponies. Body, bodies. Scarf, scarves. Photo, photos. Mouse, mouses. Watchman, watchman's name. Watchmen, M-E-N, men. Got it? Now, candy, candies. Watch, watches. Donkey, donkeys. Son-in-law, sons-in-law. Orange, oranges. Valley, valleys. Fox, foxes. Monkey, monkeys. Father, in-law, fathers-in-law. Man, men. And the last one is cow. Cow ka kya hoga? Cows. Normally you're going to add one S. Right, so I hope aapko ye wali exercise complete ho gayi hai and clearly samajh aa gayi hai. Now we'll move to the second exercise. Fill in the blanks with correct noun numbers. Sabse pehla kya hai? She ate two strawberries. I-E-S add ho jayega. Okay? Next one, they attended a lot of parties. P-A-R-T-I-E-S. Parties. She attended four interviews in a day. Aapko spelling khud likhni hai. The pair of shoes. S-H-O-E-S. Right? Fifth wali dekhenge ab. The dash followed their
मदर द डकलिंग्स. आपको स्पेलिंग खुद लिखनी है बट आई एम टेलिंग यू प्लूरल क्या होगा, डकलिंग्स. द डैश ओवर देयर वॉन्ट्स टू मीट देयर बॉस द एम्प्लॉयज. स्पेलिंग क्या होगी, EMPLOYEES. माई डैश हेट ईटिंग पिज्जा. माई फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. बी एक्सरसाइज ऑल्सो इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. नाउ ओके, वी हैव थ्री मोर सेंटेंसेज, लेट्स डू इट. द डैश आर इन द फ्रिज द वेजिटेबल्स. VEGETABLES. देयर आर असेंडिंग सम वर्कर्स. WORKERS. लास्ट वन, द डैश वेटेड फॉर द कमांड द सोल्जर्स. सो यू कैन सी द स्पेलिंग हियर, आई एम राइटिंग फॉर यू. एंड द रेस्ट वंस आर योर होमवर्क, काइंडली डू देम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. वी हैव सम मोर रूल्स नाउ, लेट्स सी. देखिए अभी हमको कुछ कुछ रूल्स दे रखे हैं जो हमको समझने हैं. जो हमने टेबल पढ़ा वो तो हमारे थे ही, जो हमारे बेसिक रूल्स हैं. अब हम और पढ़ेंगे. सम नाउन्स आर यूज इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली. जैसे आप कभी भी नहीं बोलते वेयर आर माई शू, आप नहीं बोलते. आप हमेशा क्या बोलते हो, वेयर आर माई शूज, क्योंकि वो हमेशा दो होते हैं. आप एक शू का कुछ नहीं कर सकते, आपको हमेशा दो ही चाहिए, राइट. सॉक्स, सॉक नहीं बोलते, आप क्या बोलेंगे, वेयर आर माई सॉक्स. स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, राइट. यू कैन से वेयर इज माई स्पेक्टिकल, यू हैव टू से वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, राइट. प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं ये. जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स, जीन्स, क्लोथ्स, राइट. इज दिस क्लियर. आप जीन तो नहीं बोलते, यू से जीन्स बिकॉज इट्स अ पेयर, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, राइट. दो होते हैं ना, राइट. सो दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं बट वो मीनिंग सिंगुलर होता है. जैसे मैथमेटिक्स, ऐसा आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा प्लूरल है ये, बहुत सारे मैथ्स. बट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सारे मैथ्स का मतलब ही कुछ नहीं होता. दैट मीन्स हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं पर वो वर्ड ऐसा साउंड करता है कि वो जैसे प्लूरल हो. जैसे इकोनॉमिक्स, ऐसा आ रहा है बट वो एक सब्जेक्ट है, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फर्स्ट वी हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, देन इकोनॉमिक्स. लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल, और क्या क्या हो सकता है. जैसे फिजिक्स, राइट. ऐसा ऐड हो जाता है लास्ट में, आपको ऐसा लग रहा होगा प्लूरल है बट नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं. इट साउंड्स लाइक प्लूरल, ऐसा लगता है सुनने में कि वो प्लूरल है बट वो सिंगुलर होता है. समझ आ गया आपको. सबसे इम्पॉर्टेंट इसका न्यूज़. न्यूज़ का कभी न्यूजेज नहीं होता, एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है. न्यूज़ का न्यूजेज नहीं होता, न्यूज़ का न्यूज़ ही रहता है. नेक्स्ट लेट्स सी, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर साउंड करते हैं बट वो होते प्लूरल हैं, राइट. अभी हमने क्या पढ़ा, वो प्लूरल साउंड करते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे, यस, कि वो सिंगुलर साउंड करते हैं बट वो होते प्लूरल हैं. देखते हैं कैसे. जैसे कैटल, फोक, पीपल, राइट. पीपल बहुत सारे पीपल हैं पर ऐसा साउंड क्या आ रही है कि वो सिंगुलर है, राइट. पुलिस के बाद क्या है, वर्मेन, एक्सेट्रा. तो आप देख सकते हैं कि ये लग तो ऐसा रहा है सिंगुलर वर्ड्स हैं बट नहीं, असलियत में ये सब प्लूरल ग्रुप्स को सिंबलाइज एंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट वन, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल. अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं. जैसे शीप, शीप का शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता. तो जैसा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा वैसा ही वो प्लूरल फॉर्म में होगा. जैसे फिश, फिशेज नहीं होता, सिर्फ फिश का फिश ही रहता है. डियर का डियर ही रहता है. हेयर का हेयर्स, योर हेयर, हेयर्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हेयर का हमेशा हेयर ही रहता है. ट्राउट का हमेशा ट्राउट्स ही रहता है, ट्राउट्स नहीं होता. सो यू हैव टू मेक श्योर डैट आप ये वर्ड्स को बार बार रीड करें तो आपको ये लर्न हो जाएंगे. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, याद करिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन्स में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं, जो कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, राइट. तो आप देख सकते हैं उनका कोई भी प्लूरल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लव, लव इज़ एन इमोशन, लव का लव्स नहीं होता. ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं होता, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसका कोई भी प्लूरल नहीं होगा. और
काइंडनेस का काइंडनेसेस नहीं होता, इट इज़ काइंडनेस ओनली, और चैरिटी का चैरिटीज नहीं होता, होप का होप्स नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने एक्सरसाइजेस को फिल करते हुए। मटेरियल नाउंस के भी कोई प्लूरल नहीं होते। मटेरियल नाउंस कौन से होते हैं? जो कोई किसी चीज़ का मटेरियल का वर्ड जब यूज़ हो रहा होता है तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, राइट। ये सारे हमारे मटेरियल नाउंस हैं। तो गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज गोल्ड ओनली। तो इनका कोई प्लूरल नहीं है, जैसे कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, वुड, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, राइट। समझ आ गया होगा आपको। एक हम इंटरप्रिटेशन और देखेंगे। नाउंस जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउंस होते हैं, और जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल, राइट। अनकाउंटेबल कैसे? जो हमारा मिल्क है, शुगर है, वी कांट काउंट शुगर, तो वो अनकाउंटेबल है, राइट। काउंटेबल कौन से? जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर सिटिंग, सो वी कैन काउंट कितने बॉयज़ बैठे हैं, तो वो आराम से हम काउंट कर सकते हैं। बट यू कांट काउंट द नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ये सब अनकाउंटेबल है। शुगर आप काउंट नहीं कर सकते, मिल्क काउंट नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी हैव द सी एक्सरसाइज। सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू अंडरलाइन एंड सी दैट द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। ये अंडरलाइन आपको नाउन्स दे रखे हैं, एंड आपको क्या करना है? देखना है कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रेन इज काउंटेबल। I prefer tea. Tea is uncountable. Scientists say that the world environment is threatened by pollutions. Scientists, countable. There are a lot of windows in my classroom. Windows, countable. Glue, uncountable. There are 10 apples in the basket. Apples ko count kar sakte hai, countable. I need some sugar in my coffee. Sugar, what? Uncountable, yes. Success is not the key to happiness. Happiness is uncountable. Very good. So now I can see that you are understanding. The D one. I prefer to wear a trouser. अब आपको इसके अंदर क्या करना है? इन सेंटेंसेस में आपको एरर दे रखा है कुछ ना कुछ, और आपको चेंजेस करने हैं, एरर्स को हटाना है. Let's do it. I prefer to wear a trouser. I prefer wearing. Yeah, for I prefer to wear trousers. Trousers, क्योंकि हमेशा हम pair of trousers की बात करते हैं. The news are good, the news is good. I want 10 dozens of banana, so ये s हट जाएगा and dozen रहेगा, dozen, right? Cut the cloth with a scissor, cut the cloth with scissors, okay? Then the jury declared him guilty. Juries नहीं होता, jury. Next. Mathematics are not a difficult subject for me. Mathematics is not a difficult, because mathematics sound to karta hai plural, but wo hota singular hai. And last two, the 7th and 8th, are your homework. Okay, you have to do yourself. Yeah, so that's it for this chapter. We don't have much to study. It's just that jo bhi rules hain, aapko bahut achhe tarike se read karne hain, aur aapko ye chapter bahut achhe tarike se samajh aa jayega. I hope I was able to make you clear with all the concepts. Now I will meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.